आमदार आणि सर्व मान्यवर आणि पत्रकार मित्रांनो आजचा अतिशय हा आपल्या महाराष्ट्राच्या आणि सहकार्याच्या दृष्टीने अतिशय एक महत्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे असं म्हटलं तर वाहगं ठरणार नाही कारण अमित भाई ने सहकार मंत्री अनेक क्रांतिकारक निर्णय या सहकार विभाग मधे घे धाड़स के दो वर्ष पहले जब सहकारी सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई तब यह मंत्रालय क्या करेगा क्या करने जा रहा है इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी स्पष्ट चित्र भी नहीं था परंतु जैसे ही अमित भाई के पास इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई तब सभी को पूरा विश्वास हो गया कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है इसका अनुभव भी हुआ विश्वास भी हुआ सहकारिता और सहयोग जैसे गुण अमित भाई के स्वभाव में ही है और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीए में शामिल सभी दलों का तालमेल बनाए रखना अलग अलग नेताओं को एक विचार और एक सूत्र में बांधना और सबको जोड़कर देश के हित के प्रति विचार करना इसी को सहकारिता कहा जाता है और वही अमित भाई कर रहे हैं अपने इस गुण विशेष का उपयोग उन्होंने सहकारिता मंत्रालय में भी कर दिखाया है अमित भाई ने इस मंत्रालय के माध्यम से मैंने अभी भी कहा जैसे अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं इसी कारण सहकारिता विभाग में नई चेतना भी जागृत हुई है आज इस पोर्टल का उद्घाटन होने जा रहा है और वह सहकारिता क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन होगा इस नए पोर्टल के कारण आवेदन की स्थिति नोटिस आदेश सोसाइटी के प्रमाण पत्र और अन्य विवरण आसानी से उपलब्ध होंगे इससे जनता को किसानों को काफी लाभ होगा इस पहल के लिए मैं अमित भाई के सशक्त नेतृत्व में काम कर रहे पूरे सहकारिता विभाग को बधाई देता हूं उन सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं महाराष्ट्र राज्य के विकास में सहकारिता क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है राज्य में विशेषता पश्चिम महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों का विकास इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से ही हुआ है हम सब जानते हैं आदरणीय हमारे विठलराव वी पाटिल जी हमारे राधाकृष्ण वी पाटिल जी के दादाजी इनका बहुत बड़ा योगदान इस सहकार क्षेत्र में रहा है ये हम सब जानते हैं आज राज्य में लगभग दो लाख बीस हजार सहकारिता संस्थाएँ हैं जबकि राज्य में 600 से अधिक मल्टी स्टेट बैंक और सोसाइटी कार्यरत है कोऑपरेटिव संस्थाओं में पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख सदस्य है इतनी बड़ी संख्या है उनके बैंक डिपॉजिट दो लाख इकतीस हजार करोड़ से ज़्यादा और वर्किंग कैपिटल साढ़े चार लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और अभी पहले वक्ताओं में ने भी कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी सो सो जिनको हम पैक्स कहते हैं इस मोमेंट का एक बहुत बड़ा आधार पैक्स है देश में सबसे अधिक 21,000 पैक्स महाराष्ट्र में है यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है इन पैक्स को एम्पावर करने और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने का काम सबसे पहले जिन्होंने किया होगा उनका नाम है अमित भाई शाह और इस योजना के माध्यम से लास्ट माइल किसान को केंद्र बिंदु मानते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम करने का क्रांतिकारी निर्णय अमित भाई ने लिया है और यह उनका प्रयास भी है यह काम सरल नहीं था क्योंकि कारगर तरीके से चल रहे सहकारिता क्षेत्र में कई गड़बड़ियां भी सामने आ रही थी कई लोगों ने सहकारिता क्षेत्र का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना भी शुरू किया था जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहा था जिस तरह किसी भी क्षेत्र में एक समय बीतने के बाद सेचुरेशन आ जाता है और वैसे ही सहकारिता क्षेत्र में भी हो रहा था सहकारिता क्षेत्र इन ऐटोक्रासी लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा पीछे जा रहा था और इसीलिए इन संस्थानों का राजनीतिक उपयोग भी करना शुरू हुआ था दुर्भाग्य से पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया और आज माननीय अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में अमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है ये भी मैं यहाँ पर कहूँगा मुझे पता है अमित भाई ने जब एक बार जो ठान ली तो काम को अंजाम दिए बिना वो चैन की सांस नहीं लेते ये अपने साथ वो पूरी टीम को भी मोटिवेट करते रहते हैं वो बिना रुके बिना थके अपना काम पूरा करते हैं कभी भी मैंने तो उनके चेहरे पे कभी भी थकान कभी नहीं देखी हमेशा काम में देश के प्रगति में उनको हमेशा मग्न हमें देख हम सभी ने देखा है और इसीलिए उनके तथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उनका और उनका उत्साह देखकर हमें सबको हमें भी अपना काम को और बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए और प्रधानमंत्री और अमित भाई का जो बहुत अच्छा समन्वय बॉन्डिंग अपने एक अपने आप में एक अपने सहकार और सहयोग का एक आदर्श प्रतीक है ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा और इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर आ, हम सोचते हैं जब सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व अमित भाई ने संभाला तब उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी पूरे देश की जिम्मेदारी थी और कैसे सहकारिता जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभाग का प्रबंध कैसे होगा लेकिन अभी अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनका शुरुआती ये सहकार क्षेत्र से हुआ है इसलिए पूरी तरह ये सहकार क्षेत्र की अनुभूति अनुभव उनको था और अभी हमें पता चल रहा है कि सहकारिता क्षेत्र के लिए अमित भाई जैसे मजबूत व्यक्ति का नेतृत्व वरदान सिद्ध हुआ है ये उनके काम से उनके कार्य से उनके उन्होंने लिए हुए निर्णय से हमें दिखाई पड़ रहा है केवल 25 महीनों में 45 ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्थान हो रहा है प्रगति हो रही है ट्रांसपरेंसी आ रही है ये हमारे देश के लिए हमारे राज्य महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है अभी पहले भी अजीत दादा ने भी कहा और देवेंद्र जी ने भी कहा है कि जो महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री जब तकलीफ में थी संकट में थी तब हम गए थे अमित भाई को मिलने में भी और हमारे साथी मंत्री और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे है मुझे मैंने पता है ये अभी निर्णय लेना पड़ेगा हमने सोच रखा है आपको बताऊंगा कि दस हजार करोड़ रुपए इनकम टैक्स माफ करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और ये शुगर इंडस्ट्री जो है ये गन्ना खेती करने वाले किसान है उनको राहत देने का काम उन्होंने किया अजित दादा ने कहा कि पंद्रह बीस सालों से यह निर्णय नहीं हो रहा था देखते करते हैं सोचते ऐसा ही उनको जवाब मिल रहा था अजित दादा बराबर है आपने कहा इस वक्त और लेकिन इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए होती है धाड़स पाहिजे ना आपल्याला ह्याला ह्याला धाडस पाहिजे आणि अमित ने हे जे काही निर्णय घेतला वो काबिल तारीफ आहे आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो जसं त्यांनी जिस स्तर तर हिम्मत से कश्मीर से धारा तीन सत्तर कलम को हटाया और देश को देश का गौरव बढाया इसलिए भी हिम्मत चाहिए तभी भी कितने साल सोच रहे थे लोग अरे भाई हटाना चाहिए हटाना चाहिए जाना चाहिए लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई जी ने हिम्मत दिखाई और ऐसा स्मूथ ऑपरेशन हो गया किसी को पता ही नहीं चला 370 गायब और इसलिए उन्होंने हिम्मत से शुगर इंडस्ट्री को भी संजीवनी दिलाई है इस निर्णय के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत आभार मानता हूँ देश के आज 11,770 किसान उत्पादक एफ जो है कार्यरत है और उन के माध्यम से देश के लाखों किसानों की आय में इनकम में उत्पन्न में वृद्धि होगी और ये उनके लिए भी बहुत ही फायदा फायदा होगा जिसके लिए और भी 10,000 हज़ार एफ स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है केंद्र सरकार ने उसके लिए सात हजार करोड़ का प्रावधान भी किया है उल्लेखनीय है कि रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक और स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक सारी व्यवस्था एफ के माध्यम से की जाएगी मुझे विश्वास है कि ये सारी प्रोसेस एक क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा और देश को और राज्य को बड़ा लाभ होगा मैं ये भी कहूँगा पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है राज्य की बारह हज़ार क्रेडिट सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र ने बहुत बड़ी राशि दी है जिसके कारण राज्य के किसानों को देश और विदेश को बाज़ार में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे और ये सब जो हो रहा है अभी अजीत दादाजी ने कहा कि 2000 हमारे चीनी का उत्पन्न जो है जो 105 लाख मेट्रिक टन का 2022 हजार में था अब 21 लाख टन उस टाइम उस वक्त निर्यात भी हुआ और हमारी शुगर फैक्ट्री जो है वो तेल कंपनियों के लिए 135 करोड़ लीटर इथेनॉल देने की क्षमता भी रखता है ये भी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है आज सही माने में युवाओं को इस सहकार विभाग की ओर आकर्षित करने का काम भी निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित भी करने का काम होगा और ये भी अच्छी बात है वो भी इस सहकार विभाग से जुड़ने चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस यह मूल मंत्र अपनाने का काम हमारे अमित भाई जी के मार्गदर्शन में ये हो रहा है और इसीलिए मुझे विश्वास है कि सहकार से समृद्धि इस नारे से न केवल सहकार क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि कृषि पनन ग्राम विकास को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा बलशाली भारत का जो अपना सपना है वो भी साकार होने में इस बड़े निर्णय का बहुत बड़ा उपयोग होगा और इसीलिए कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार और यही शाश्वत सत्य है और इसीलिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फाइव ट्रिलियन डॉलर का जो सपना है ये सपना भी ये ऐसे क्रांतिकारी जो सहकार विभाग में हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा ऐसा हमेशा आदरणीय अमित भाई भी कहते हैं और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अजीत दादा ने कहा कि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है देश नई ऊंचाई को छू रहा है देश का नाम बड़े गौरव के साथ पूरी दुनिया में ले रहा है कोई उनको बॉस कहता है कोई उनको गले लगाता है कोई उनको वर्ल्ड लीडर के हैसियत से देखता है और राज्य का विकास भी जब हम शुरू किया एक साल पहले जब मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई के मार्गदर्शन में जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी ताकत से हम सरकार के पीछे खड़े रहेंगे पूरा शब्द उन्होंने निभाया है पूरी ताकत से वो खड़े है और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा मदद करते हैं देखो जो है है बाला साहेब ठाकरे जी कहते हैं जो सच है सच कहना ही चाहिए और जो है अच्छा उसकी वाह करनी चाहिए आज हम देखते हैं हमारा एक भी प्रस्ताव बिना कटौती के मंजूर होता है आज प्रधानमंत्री जी भी आज कितने पांच सौ स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं उसमें चौवालीस महाराष्ट्र के हैं वंदे भारत की ट्रेनें शुरू हुई है कई ऐसे काम है मेट्रो के लिए सहयोग मिल रहा है और इसलिए ये डबल इंजन वाली सरकार जो है ये एक जब राज्य और केंद्र एक विचार के सरकार होती है तो बड़े तेजी से विकास होता है और इसीलिए इस तेजी के विकास के साथ अजीत दादा भी हमारे जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और अभी पूरी ताकत से एक ही हमारा लक्ष्य है इस राज्य को आगे बढ़ाना इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन लाना उनके जीवन में आनंद लाना और इस राज्य में एक राज्य जो है हमारा आज बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू है जो देवेंद्र जी के समय में शुरू हुए थे ढाई साल में बंद हुए थे हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे पास कोई ईगो नहीं है अहंकार नहीं है हम इतना ही चाहते हैं हमारे राज्य के निर्णय से जनता का भला हो जनता को सुविधा मिले ये राज्य का विकास हो इतना ही चाहते और आज मैं फिर एक बार अमित भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जैसा नेता इस राज्य के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है इसलिए आप जो चाहते हैं इस राज्य का विकास वैसे हम पूरे दिल से मेहनत करके हम लोग ट्वेंटी फोर बाय सेवन वाले लोग हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं आप खाली आशीर्वाद रखो मैं और हमें ताकत दो और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र